أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم معزز ناظرين. आज जिस रूहानी वजीफ़े के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप इसे पूरे यकीन और पूरे एतमाद के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका नींद का मसाला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। नींद ना आना एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि मुसलसल नींद का ना आना इंसान को पागलपन की तरफ ले जाता है। जो लोग भी इस मर्ज़ का शिकार हैं वो हर वक्त चिड़चिड़ेपन गुस्सा का शिकार रहते हैं, और यही वजह है कि ऐसे लोग शदीद डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं। ऐसे लोगों में डिप्रेशन की बुनियादी वजह दूसरे लोगों से अपना मुकाबला करना है। दूसरे शख्स के पास तो ये चीज़ मौजूद है और मेरे पास क्यों नहीं है, फलां बहुत ही खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहा है लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो खुशहाली नहीं है, या दूसरा इंसान अपने माजी में इस कदर गुम रहता है कि उसे आने वाली ज़िंदगी में सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दिखाई देता, और ये भी एक बड़ी वजह है कि वो सारी रात इन्हीं सोचों में गुजारता है और अपनी नींद को मुकम्मल नहीं करता। अपने माजी में हर वक्त गुम रहने वालों को मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को एक गाड़ी की तरह लें। गाड़ी में बैक व्यू मिरर भी मौजूद होता है और दो साइड ग्लासेस भी मौजूद होते हैं, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में फ्रंट स्क्रीन आपकी सबसे बड़ी होती है, और ड्राइविंग के दौरान आपको बैक व्यू मिरर में भी देखना पड़ता है, साइड ग्लासेस में भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो आपको अपने फ्रंट स्क्रीन पर देनी है। बैक व्यू मिरर की मिसाल माजी की तरह है,
इसे देखना या कुछ लम्हे के लिए देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसी माजी में गुम हो जाना, उसी बैकव्यू मिरर को ही देखते रहना और उन्हीं साइड ग्लासेस में ही देखते रहना इधर उधर दाएं बाएं कि फलां कैसा है, फलां कैसा है, फलां खुशहाल है, मैं खुशहाल नहीं हूँ, फलां का ये मसला हल हो गया, मेरा हल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बैकव्यू मिरर यानी अपने माजी में ही रहे, यानी अपनी माजी की सोचों में ही गुम रहे, तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आपकी गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और मुसलसल अपने बैकव्यू मिरर को देख रहे हैं और उसी में गुम है, तो अंदेशा है कि आपका हादसा हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको अब उस रूहानी और मुजर्रब वजीफे का तरीक़ेकार बताऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फजल व करम से आप बहुत जल्द शिफायाब हो जाएंगे और आपको भरपूर और मीठी नींद नसीब होगी। ऐसी नींद हो कि जब आप बेदार होंगे तो आपकी पूरे जिस्म की तमाम तवानाइयां बहाल होंगी, आप बिल्कुल तरोताज़ा बेदार होंगे और अपनी डेली रूटीन के जितने भी काम हैं वो अहसन तरीके से अंजाम देने के काबिल हो जाएंगे। बेहतरीन नींद के लिए ये मुजर्रब वजीफ़ा कुरान मजीद की सूरह कहफ की आयत नंबर 10 में मौजूद है, जिसे आप रोज़ाना पूरे दिन में भी और रात को भी बिस्तर पर लेटे हुए वर्द करेंगे और साथ ही दुरूद शरीफ का भी वर्द करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुछ ही दिनों में आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे। दुआ को आपने पढ़ना है, फ़ज़ा रब्ना अला आज़ानिहिम फिल कहफ सिनीन, फ़ज़ा रब्ना अला आज़ानिहिम फिल कहफ सिनीन, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ सिनीन, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ सिनीन। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे और उम्मीद करता हूँ कि इस अमल को आप करेंगे और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इसको शेयर करें। अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है उसे काफ़ी आफियत होगी और वो आपके लिए भी दुआगो होगा और मेरे लिए भी दुआगो होगा। फी अमानिल्लाह।